हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी के C2 की, जो कि हमारा सबसे सस्ता डिवाइस है जिसके अंदर आपको मिलता है वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइस पे नजर डालेंगे। वाओ, सो ये रहा हमारा डिवाइस रियलमी C2, जिसके अंदर हमें वैसे तो ये डायमंड ब्लैक कलर है, लेकिन इसके अंदर ब्लूइश शेड आ रहा है और डायमंड कट्स, डायमंड टेक्सचर्स देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सो डिवाइस को मैंने स्विच ऑन कर लिया और साथ ही इसको सेटअप भी कर लिया है, बट सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले पे। इसके अंदर हमें मिलता है 6.1 इंच का HD+ डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन मिलता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले हमारा ब्राइट लग रहा है, बढ़िया नजर आ रहा है। और इसके डिस्प्ले के अंदर हमें काफी सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि पहले तो आप इसके कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि वार्म रखना है या कूलर रखना है। उसके साथ आप इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसके साथ डिस्प्ले साइज को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपको इस डिवाइस के अंदर नाइट शील्ड मिलता है। अगर आप ज्यादा देर डिवाइस को यूज करते हैं अंधेरे में या फिर लो लाइट में, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी आईज पे इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद अगर बात करें इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में, तो हमें मिलता है इसके अंदर P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको कुछ GE8380 के ग्राफिक्स मिलते हैं। उसके साथ कलर्स OS6 का इंटरफेस, जो कि बेस्ड है हमारे एंड्रॉइड पाई पे। C1 के मुकाबले में अगर हम देखें तो C2 को डाउनग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर हमें मिलता था स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर। बढ़ाया जा सकता था प्रोसेसर को, थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था। अगर हम इसका एंटीटू स्कोर देखें तो वो है हमारा 78,000। और साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें दो वेरिएंट अवेलेबल हैं। एक है हमारा 2GB 16GB वाला, जो कि आपको 6,000 में मिल जाएगा, और दूसरा है हमारा 3GB 32GB वाला, ये वाला मेरा वेरिएंट, जो कि हमारा 8,000 रुपए का है। इनका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। साथ ही जल्द मैं इस डिवाइस का गेमिंग रिव्यू भी कर दूंगी, जिसके अंदर हम पबजी चला के देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, कैसी चलती है गेम। C1 का भी मैंने पबजी टेस्ट किया था, अब C2 के करने की बारी आ गई है। अब इस डिवाइस के अंदर हमें बड़ी बैटरी मिलती है 4000mAh की, और उसके साथ आइए बॉक्स कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं। ये है हमारा टर्बो अडैप्टर, जो कि 5W का चार्जर है हमारा, और उसके साथ ये हमारी माइक्रो USB केबल, माइक्रो USB पोर्ट मिलता है हमें इस डिवाइस के अंदर। साथ में ईयरफोन्स नहीं मिलते इसके साथ। और इस साइड देख लेते हैं, ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब इसके साथ इस डिवाइस के बैक में आप देख सकते हैं हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का। इसके कैमरा में हमें काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल मोड, ब्यूटी मोड, क्रोमा बूस्ट, जिसमें आप कलर्स को बूस्ट कर सकते हैं, और आपको इसके अंदर पैनोरमा शॉट मिलता है, एक्सपर्ट मोड मिलता है। साथ ही आप इससे Full HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्लो मोशन शूट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने हर मोड में पिक लिया है। ये हमारा बुके मोड है। एज डिटेक्शन इसका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, बजट के हिसाब से ओके कह सकते हैं इसको। है बैकग्राउंड ब्लरिंग ठीक कर रहा है। क्रोमा बूस्ट ऑन करके भी मैंने पिक्स ली हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कलर्स को थोड़ा और एनहांस कर देता है। ओवरऑल देखा जाए तो पिक्स ओके हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। मेरे को पता नहीं आप इसमें देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो कैमरा है इसकी पिक्स में ग्रेनिंग आ रही है। सो ये एक इशू है, जो कि फ्रंट कैमरा में भी है और बैक कैमरा में भी है। बैक में तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको फ्रंट में दिखाती हूँ। फ्रंट में हमारा 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर आपको नॉर्मल मोड, ब्यूटी मोड, HDR मोड, सारे मोड्स मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमें ग्रेनिंग मिल रही है। वो मे बी आपको इसमें मैं कैमरा के शूट में नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन रियल लाइफ में इसके अंदर ग्रेनिंग मुझे दिख रही है। उसके बाद इस डिवाइस के डिज़ाइन की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है और डायमंड कट्स में डिज़ाइन वाइज डिवाइस देखने में काफ़ी सही लग रहा है। वैसे प्लास्टिक बॉडी है इसके अंदर हमारी। और इसके साथ डायमेंशन की बात करें तो 154.3 इसकी हाइट है, 73.7 इसकी विड्थ और 8.5mm इसकी थिकनेस, और ये डिवाइस हमारा 166 ग्राम्स का है। साथ ही इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलता, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस डिवाइस का, लेकिन आपको फेस अनलॉक मिलता है। फेस अनलॉक हमारा ठीक वर्क कर रहा है, हालांकि इस बजट के अंदर फेस अनलॉक ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, फिंगरप्रिंट लॉक बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें एक मिलता है गेम एक्सेलरेशन तरह, ताकि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, बैकग्राउंड नेटवर्क आपका बंद हो जाए। साथ ही आपको इसके अंदर स्मार्ट सर्विसेज मिलती हैं, जिसके अंदर आप स्मार्ट ड्राइविंग ऑन कर सकते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट ऑन कर सकते हैं, जो कि आपके होम स्क्रीन के साइड में स्क्रीन आ जाएगी। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको ऐप क्लोन मिलता है,
गेम स्पेस मैंने आपको बता दिया, ऐप स्प्लिट स्क्रीन मिलता है आपको, साथ ही आपको इसके अंदर किड स्पेस भी मिलता है जिसको आप ऑन कर सकते हैं जब भी बच्चों को अपना फोन देना हो। साथ ही आपको इसके अंदर मैग्नेटिक सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जी सेंसर और एक्सेलेरोमीटर भी मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये है हमारा Realme C2। इसका जो हमारा 2GB रैम 16GB वाला वेरिएंट है 6000 रुपए वाला, वो आपके लिए काफी वर्थ रहेगा, मतलब ठीक है वो डिवाइस। लेकिन जो मेरे पास ये वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी वाला 8000 रुपए का, ये लेना वर्थ नहीं है, क्योंकि 8000 रुपए के बजट में हमारे पास काफी सारे डिवाइसेस और आ जाते हैं जिनके अंदर इससे काफी ज्यादा फीचर्स हैं, वो इससे काफी ज्यादा बढ़िया हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इन्फिनिक्स का स्मार्ट 3 प्लस, इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले करी है और जो भी मैं आपको दिखाऊंगी उन सबकी अनबॉक्सिंग मैंने करी हुई है। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है बैक साइड में, आप देख सकते हैं, और इस डिवाइस के अंदर कैमरास काफी अच्छे हैं, फिंगरप्रिंट लॉक भी मिल जाता है, बैक केस भी आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश। ये डिवाइस हमारा 7000 रुपए का है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाता है हमारे Realme C2 से। अब इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कि ये चाइनीज ब्रांड नहीं लेना चाहते, उनके लिए सैमसंग की तरफ से 2 डिवाइसेस आते हैं इसी बजट में। एक है हमारा सैमसंग M10 और दूसरा है A10, और ये भी एक्चुअल में हमारे Realme C2 से काफी बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं, दोनों में से किसी भी डिवाइस के लिए आप जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और आता है मेरा फेवरेट डिवाइस, जो कि है हमारा Nokia का 5.1 प्लस, ऑफर्स में आपको 7200 का मिल जाएगा। इस डिवाइस के अंदर प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है, बढ़िया लुक, बढ़िया फिनिश, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं इस बात का। कैमरास वो भी बढ़िया, उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आप देख सकते हैं बैक में हमें मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट मिल रहा है आपको, एंड्रॉयड 1 मिल रहा है, तो गूगल अपडेट्स एंड्रॉयड अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, प्रोसेसर भी बढ़िया मिल रहा है, तो मतलब ये तो और धांसू ऑप्शन बन जाता है हमारा Realme C2 के मुकाबले में। इसके बाद एक और डिवाइस आ रहा है हमारे पास Redmi 7, जिसके अंदर आपको बढ़िया कैमरा मिलेगा इससे, काफी अच्छा कैमरा, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इससे, और वो भी हमारा 8000 रुपए का है। मतलब आप देख सकते हैं कि Realme C2 के कंपटीशन में हमारे पास एक्चुअल में काफी बढ़िया ऑप्शंस आ रही हैं, काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, और मेरे हिसाब से आप 6000 वाला लो तो ठीक है, लेकिन 8000 रुपए वाला अगर लेना चाहते हो तो उसकी जगह कोई और ले लो। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा डिवाइस उनमें से लेना है, उनको लेने से आपके पैसे पूरे वसूल होंगे। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।